में बात करते हैं हम जनपद उन्नाव के, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता तुलसी के पौधे वितरित करने का काम करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने अभी से ही जोरों शोरों से तैयारी करनी शुरू कर दी है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत वर्षों की बात, इस वर्ष भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर 25 दिसंबर को धर्म रक्षा और पर्यावरण रक्षा के रूप में हिंदू जागरण मंच मना रहा है। इसको एक विशाल तुलसी पूजन दिवस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि यातायात और पर्यावरण, जल संरक्षण और जैसा कि हम लोग नशा मुक्ति जैसी भव्य झांकियों का भी इसमें प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और इस दौरान, यात्रा के दौरान, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे, शंखनाद और हजारों भगवा ध्वज सम्मिलित होंगे। हम सब इस यात्रा में एक भव्यता के लिए लगातार पिछले सप्ताह से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाए हैं, जिसमें कि पत्रक और तुलसी के पौधे देकर लोगों को आवाहन किया है कि वो यात्रा में सम्मिलित हों और सनातन धर्म को अपनाएं। जैसा कि आज सब जान रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता को लेकर हम लोग प्रदूषण जैसी तमाम ऐसी उससे जूझ रहे हैं, उस पर आज हिंदू जागरण मंच का एक प्रयास है कि अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौटे, जहाँ की वृक्षों, पहाड़ों और जल जैसे को देवतुल्य की संज्ञा दी गई है, भारतीय संस्कृति में हम सब इनको पूछते हैं। ऐसा एक हिंदू जागरण मंच, एक राष्ट्रीय स्वयं संघ, स्वयं से शुरू से ही भारत एक जो कि भारतीय संस्कृति को निरंतर बढ़ाने का एक प्रयास करता रहा है हिंदू जागरण में, इसी क्रम में आज ये वार्ता रखी है कि यात्रा के दौरान जो भी विमल जी एक